गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन नए जोश और नई राइडिंग जैकेट के साथ आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नई जगह की खोज में। ये राइडिंग जैकेट हमने कल ही खरीदी है, तो आज घूमने के साथ साथ इसका टेस्ट भी है। आज भी बारिश होने की संभावना है, कोई बात नहीं, अपना तैयारी भी उसी हिसाब से है। और वो देखिए, वो दूर घने बादलों के पीछे सूरज चाचू दिख रहा है। आज बादल भारी है अपने सूरज चाचू पे, इसीलिए उनकी रोशनी धरती में अभी तक सही से पहुंच नहीं पाई है। अभी हम कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आ चुके हैं और वो जो दूर में एक गेट जैसा दिख रहा है वही है ऑफिशियल बॉर्डर दो राज्यों का। और जैसा हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु का ज्यादातर रास्ता बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो आज का हमारा ये सफर आरामदायक होने वाला है। कुछ देर चलने के बाद हमारा फर्स्ट टी ब्रेक, यहाँ पे बस 10 मिनट रुकेंगे और फिर चल देंगे। वैसे आज का हमारा सफर है जावादु हिल्स, जो कि ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन है। ये वेलोर और तिरुवन्नमलाई जिले को अलग करता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ये साउथ ऑफ बैंगलोर से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी सुबह के 8:30 बजने को है और हमारा पेट जवाब दे दिया है कि उसे भी आगे बढ़ने के लिए ईंधन चाहिए, तो हमारी औकात ही क्या है उसे मना करने की, तो रुक गए अपने पेट पूजा करने के लिए। हम अभी कृष्णगिरी के आसपास है और यहाँ आपको खाने के लिए बहुत सारा दुकानें मिल जाएंगे। हम भी ऐसे एक दुकान में रुक गए। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ शायद कोई दुकान ना हो लंच के लिए, तो प्लान ये है कि पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर रवाना देंगे। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इस जगह को लेके, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑफबीट है और बहुत लोग ये जगह के बारे में जानते भी नहीं है। पर हाँ, ये उम्मीद ज़रूर है कि हमारा आज का ये सफ़र खूबसूरत होगा मंजिल से भी, और हम मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करते हैं। मंजिल अच्छा हुआ तो बढ़िया, नहीं तो सफ़र तो अच्छा हम कर ही लेते हैं। चलते चलते अब हम आ पहुँचे हैं चेन्नई जाने वाला हाईवे पे, और ये रास्ता तो मक्खन है भाई, पूरा मक्खन। कोई भी सफर का गोल्डन रूल ये है कि आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहे और खुद को हाइड्रेट करते रहे, और हम वो आंख बंद करके फॉलो करते हैं, और आप भी जरूर कीजिए। यहाँ पे भी हम बस 10 मिनट ही रुकेंगे और फिर 9:50 हो जाएंगे अपने सफर के आखिरी कड़ी की ओर। वैसे आपको ये जगह के बारे में नॉर्मली कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मतलब कहीं पे भी ये एनलिस्टेड नहीं है प्लेसेस टू विजिट नियर बैंगलोर, या फिर ऐसे ही कोई टर्म से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अगर आपको इस जगह के नाम के बारे में पता नहीं है तो मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे भी कोई जगह है जहाँ पे आप राइड के लिए अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी आ सकते हो। पर मैं तो अकेले नहीं आया हूँ, आज का हमारे ये सफर में मैं और पिनाकी दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ इस जगह के बारे में जान नहीं पाया हूँ क्योंकि ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, तो आज हम दोनों मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने एक नई जगह की खोज रखेंगे। ये हम आ पहुंचे हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे। नहीं, यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ, और आपको एक सीक्रेट बताता हूँ इस जगह के बारे में। अभी कुछ ही पलों में हमारा सामना होगा हेयरपिन बेंड से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हेयरपिन बेंड्स भी है, और हमारे यहाँ आने का और एक कारण ये हेयरपिन बेंड्स भी है। तो देवी और सज्जनों, कहीं मत जाइए और बने रहे हमारे साथ इस खूबसूरत अनकही और अनदेखी सफर का हिस्सा बनने के लिए। तो जैसा कि मैंने सोचा था और जैसा आप देख रहे हो, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। रास्ता बहुत ही छोटा है, दो गाड़ी क्रॉस करने की जगह नहीं है, तो कार लेकर आने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रास्ता इतना छोटा होने के बावजूद भी यहाँ बस चलती है, और जब बस सामने से आती है तो बाइक को भी रुकना पड़ता है कोई एक साइड देख के। तो अगर आप कार लेके आने की सोच रहे हो तो हर टर्न पे हॉर्न जरूर दे। अगर आपका नसीब अच्छा हो तो उस वक्त शायद कोई बस या फिर कोई और दूसरी बड़ी गाड़ी ना आए, और अगर आ जाए तो आपको जगह ढूंढना पड़ेगा, कैसे दूसरी गाड़ी को जगह दे और खुद आगे निकले।
वैसे हमने इस रास्ते पे कुछ कार्स भी आते जाते हुए देखे हैं, शायद वो लोकल ही होंगे, तो उनको पता है कि कहाँ और कैसे पास करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बस और दूसरी गाड़ी के साथ साथ कार भी चलती है, तो आप कार लेके भी आ सकते हो। और हाँ, यहाँ पे कोई टिकट विकेट का चक्कर नहीं है, पर मैं तो बोलूंगा कि आप कार लेके आते भी हो तो हो सके कोई छोटी सी कार लाए, नहीं तो इस रास्ते पे बेस्ट इज बाइक। और चलते चलते हम आ पहुंचे एक जगह, ऐसी जगह यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हो, जैसे हम अभी यहाँ पे रुके हैं। ये जंगल का इलाका होने के कारण आपको कुछ बंदर भी देखने को मिल जाएंगे रास्ते पे, तो आप सही जगह देख के रुके और इस खूबसूरत वादियों में अपना सुनहरे पल बिताए और इसे अपने जिंदगी का एक यादगार दिन बना ले। यहाँ पे शहर जैसा कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत है ये जगह और नज़ारा तो मन मोह लेने वाला ही है। वैसे गूगल मत हमें अभी भी आगे जाने के लिए कह रही है, पर मुझे दुविधा इस बात का है कि आगे जाके शायद कुछ ना मिले। चलिए, वो तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल इस पल को थोड़ा जी लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम और आगे बढ़ चले गूगल माता के हिसाब से। गूगल माता हमें जहाँ ले जा रही है, अगर वहाँ पे कोई व्यू पॉइंट वगैरह मिला तो ठीक है, वहाँ भी कुछ पल बिताएंगे, नहीं तो वापस और एक जगह जाने की प्लान है। अभी पता नहीं वो जगह असल में है या नहीं, वो तो लोकल लोगों से पूछना ही पड़ेगा। वैसे मैं ये मानता हूँ कि हमेशा लोकल लोगों से पूछ लेना चाहिए अगर आपके मन में शक है तो, क्योंकि गूगल माता चाहे कितना भी मैप में दिखा दे कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, असली जानकारी तो लोकल लोगों के पास ही होते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुंचे मुजलाई गांव। जी हाँ, इस गांव के बारे में मैं देखा तो था, अब ये देखना है कि यहाँ पे आखिर में कोई ऐसी जगह है या नहीं जहाँ से व्यू थोड़ा बहुत अच्छा हो और जहाँ पे आप थोड़ा बहुत समय बिता सको। गूगल माता के हिसाब से हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे थोड़ा वक्त बिता सके। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कोई जगह या व्यू पॉइंट हमें नहीं मिला। फिलहाल तो हम यहाँ पे मरियम्मा मंदिर के सामने रुके हुए हैं 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम फिर चल देंगे और एक नई जगह की खोज में जो कि वापस जाने वाले रास्ते में ही है गूगल माता के हिसाब से। चलिए देखते हैं। रेस के बाद हम फिर चल पड़े हैं हमारा अगले खोज इजारोवी फॉल्स में, जो कि यहाँ से बस 14 किलोमीटर दूरी पे ही है। चलते हुए हमने लोकल लोगों से पूछा इस वाटरफॉल के बारे में, पर कोई बता ही नहीं पाया कि ऐसा कोई वाटरफॉल्स यहाँ आसपास है कि नहीं। तो एज बिकॉज ये लोकल लोग हैं, तो उनको नॉर्मल ये पता रहता है कि आसपास ऐसे कोई जगह है कि नहीं। हमने यहाँ 5-10 मिनट तक बहुत सारे लोगों से पूछा, पर सभी बोले कि आसपास ऐसा कोई फॉल्स नहीं है। तो हमने बहुत सोचने के बाद वहाँ ना जाने का फैसला किया। वेल, गूगल में दिखा रहा मतलब कुछ तो है, अभी ये भी हो सकता है कि शायद इन्हें वो वाटरफॉल के बारे में पता ना हो या फिर उसका कोई दूसरा नाम भी है, कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ा बहुत टाइम भी हो चुका है और हल्का हल्का भूख भी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, वैसे अब तक का हमारा सफर शानदार ही है, तो कोई गम नहीं भाई। तो दोस्तों, आज के लिए हम वापस चल पड़े हैं ये सोच के कि फिर और एक बार आएंगे इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 और वाटरफॉल्स भी है जो कि अच्छा है लोकल लोगों के हिसाब से। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। इस जगह के बारे में मैं वो एक फेमस गाने का लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। और अगर आप अपने सफर को एंजॉय करते हो तो मंजिल अच्छा हुआ या फिर नहीं, उसमें हम मायूस नहीं होते, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं और हमें तो बस चलते ही जाना है।
और हाँ दोस्तों, और एक जरूरी बात, जवादो हिल से चेन्नई हाईवे में आपको खाने का बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। हमें तो नहीं मिला, तो हम कृष्णगिरी जाके अपना लंच करेंगे। तो आप अपने साथ स्नैक्स वगैरह और पानी बोतल जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। जल्द ही मिलता हूँ किसी और एक दिन कोई और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। सी यू सून।